गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम मिसेस पार्वती कुमारी फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज रांची। टुडे इज 10th डे ऑफ ऑनलाइन क्लास फॉर इंटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में मैं चैप्टर 4 से बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समानताओं के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बौद्ध तथा जैन धर्म के विषमताओं या असमानताओं के बारे में बताऊंगी। यद्यपि दोनों धर्म अहिंसावादी थे, यानी दोनों धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं था, परंतु फिर भी कुछ न कुछ विषमताएं या असमानताएं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में मौजूद थी, जो निम्न थी। पहला असमानता में पहला है अहिंसा। दोनों धर्म अहिंसावादी हैं। अहिंसा अर्थात जीवों की हत्या दोनों धर्म में नहीं किया जाता है, परंतु बौद्धों की तुलना में जैन धर्म द्वारा अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। यानी जैन धर्म कम हिंसा करते थे। आप लोग देखे होंगे कि जैन धर्म के धर्म गुरु होते हैं, वे सफेद कपड़ा पहनते हैं और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए रहते हैं। क्यों बांधते हैं? क्योंकि छोटा से छोटा जीव भी उनके मुंह पर आकर न मरे, तथा लंबा झाड़ू लेकर चलते हैं ताकि चींटी भी उनके पैरों तले रौंदा न जाए। दूसरा है निर्वाण। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ है सिद्धावस्था में शरीर का त्याग। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। अर्थात ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त करना महापरिनिर्वाण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, निर्वाण तथा परिनिर्वाण पर कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जीवन रहते ज्ञान प्राप्त करना निर्वाण कहलाता है, परंतु ज्ञान प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त कर लेना महापरिनिर्वाण कहलाता है। दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निर्वाण तथा परिनिर्वाण। तीसरा है आत्मा का स्वरूप। दोनों ही धर्म आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। जैनों के अनुसार आत्मा अनश्वर है, वही बार बार जन्म लेता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आत्मा अनश्वर है, यानी आत्मा अमर है, नहीं मरता है, परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा देह अर्थात शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। यानी बौद्ध धर्म में मृत्यु के साथ साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, बल्कि पहला जन्म दूसरे जन्म का कारण बनता है। चौथा है त्यागपूर्ण जीवन। जैन धर्म जैन साधु काया क्लेश मार्ग पर चलकर कठोर व्रतों का पालन करते हैं। काया क्लेश मतलब शरीर को अधिक कष्ट देकर ध्यान मग्न होना, जबकि बौद्ध कठोर तपस्या को अमान्य कर मध्यम मार्ग अपनाते हैं। यानी शरीर को जैनों की तुलना में कम कष्ट देते हैं। त्याग की भावना जैनों से अधिक होती है, जैनों में अधिक होती है। पांचवा है ब्राह्मणों से संबंध। जैन धर्म में ब्राह्मणों को स्थान मिला है, यानी जैन धर्म में ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया गया है, परंतु बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों को अधिक प्रश्रय या महत्व
नहीं दिया गया है। छठा है धर्म का प्रसार, छठा पॉइंट है धर्म का प्रसार। जैन धर्म भारत की सीमा के बाहर नहीं फैल सका, सिर्फ भारत में ही जैन धर्म को लोग मानते थे, जबकि बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत बल्कि विदेशों में जैसे चीन, तिब्बत, म्यांमार अर्थात बर्मा, श्रीलंका इत्यादि देशों में भी फैला। इसका मुख्य कारण इसके सहज सरल एवं बोधगम्य यानी समझने लायक सिद्धांत थे। सातवां पॉइंट है मूर्ति पूजा, सातवां पॉइंट मूर्ति पूजा। जैन नग्न अर्थात नंगे मूर्तियों के उपासक हैं, जबकि बौद्ध नहीं। आठवां राज आश्रय, आठवां पॉइंट है राज आश्रय। बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अधिक राजकीय प्रश्रय प्राप्त हुआ, मतलब राजाओं का प्रश्रय, राजाओं का संरक्षण, जिससे उनके प्रचार प्रसार में काफी मदद मिली। राजाओं का प्रश्रय अर्थात प्राचीन समय में राजाओं का शासन चलता था तो राजा उनको संरक्षण दिए। नौवां पॉइंट है भाषा, नौवां पॉइंट है भाषा। बौद्धों की एवं उनके साहित्य की भाषा पाली थी, बौद्धों की तथा उनके साहित्य की भाषा पाली थी। ध्यान दीजिएगा, बौद्धों की भाषा पाली थी जबकि जैनों की भाषा प्राकृत, जैनों की भाषा प्राकृत। ये दोनों प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी बौद्धों एवं जैनियों के असमानताओं के कारण हैं। अब हम अगले क्लास में साल भंजिका तथा